I am Vanda Kaur. Again, I am coming back with a new concept of physics, new topic and new derivation. Today we are going to start with another application of Gauss theorem, which is electric field due to uniformly charged spherical shell. In our previous session, we have already discussed the two most important application of Gauss theorem, which was electric field due to an infinitely long sheet and electric field due to a thin wire. Okay, now in this session we are going to discuss electric field due to uniformly charged spherical shell. Again, I am saying again and again, the application of Gauss theorem is very important for your exam point of view. ये जो क्वेश्चन है आपका सीबीएसई एग्जाम 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 and 2015 में आ चुका है. तो now let us come to the today's class. Now we are assuming what we have to find. We have to find electric field due to uniformly charged spherical shell. Shell का मतलब क्या होता है? Shell which is hollow from inside. Shell का मतलब क्या होता है? जो अंदर से क्या हो? खाली हो. तो now this is just like a ball. आप क्या consider कर सकते हो? Ball consider कर सकते हो. या ये balloon है ना? अगर मैं 2D में draw करूँ तो it just like a circle. But we have to assume that is it's a spherical shell. और उस पे क्या है? उस spherical shell पे uniformly charged distributed है. उस spherical shell पे क्या है? Uniformly charged distributed है. तो suppose we are this is uniformly charged spherical shell in which charge are distributed uniformly, which is hollow from the inside. ये क्या है? अंदर से होलो है और इसकी सरफेस पे क्या हो रहा है? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. एंड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम व्हाट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. अगर ये जो आपके पास शेल है इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज विच इज uniformly distributed on this shell, we have to find electric field, है ना? तो हमें electric field find करना, तो we are taking this part, we are taking a shell, है ना? जिसका radius क्या है? Capital R है. हमने radius क्या ली उसकी? Capital R ली center से. अब इस shell पे uniformly charge distributed है, हमने उसकी radius consider की capital R. Now what we have to find? We have to find electric field. Electric field कहाँ find करना है? At any point P. वो किसी भी point P पे हो सकता है. It may be outside this spherical shell. ये जो आपका spherical shell है, इसके बाहर भी वो point हो सकता है, उसके अंदर भी वो point हो सकता है, और उसके surface पे भी वो point हो सकता है. है ना? तो यहाँ पे तीन cases बनते हैं जहाँ पे हमें electric field find करनी है. है ना? Electric field when P, suppose हमने find किया एक पॉइंट पी जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना? तो फर्स्ट हम तीन केसेस लेंगे. इस केस में तीन केसेस. फर्स्ट केसेस में हम क्या करेंगे कि पी को हमने आउटसाइड दी स्फेरिकल शेल रखा. सेकंड केस में हम क्या करेंगे? पी इज कैप्ट इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल. और थर्ड केस में हम क्या करेंगे? पी इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल. नाउ कम टू द फर्स्ट केस. फर्स्ट केस क्या है? When P is kept outside the spherical shell, outside the spherical shell. So in this diagram you can see ये जो R radius है वो उस shell की actual radius है. और अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें किसी डिस्टेंस, सपोज वी आर टेकिंग दैट डिस्टेंस इज स्मॉल आर. हमने एक डिस्टेंस ली स्मॉल आर विच इज आउटसाइड फ्रॉम दिस सेंटर. वो डिस्टेंस से वो सेंटर ओ से आउटसाइड होगी एट पॉइंट पी. हमने कोई भी पॉइंट पी कंसीडर किया. सपोज ये आपका स्फेरिकल शेल है,
इसकी रेडियस कैपिटल आर है, पर हमको क्या फाइंड करना है, इसके बाहर कहीं किसी पॉइंट पी पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जो हमने पॉइंट कंसिडर किया वो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, इस सरफेस के बाहर कहीं भी हो सकता है। नाउ केस वन हमारा क्या था, व्हेन पी इज केप्ट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब हमने पी को क्या किया, हमने उस स्फेरिकल शेल के कहीं भी बाहर रखा। तो नाउ एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन आवर प्रीवियस क्लासेस और प्रीवियस एप्लीकेशन हमने क्या डिस्कस किया था कि हम थ्री इजी स्टेप में गॉस की जो एप्लीकेशन है उसको इजिली प्रूफ कर पा रहे थे। तो वो थ्री इजी स्टेप क्या थे, फर्स्ट स्टेप क्या था, बाय द गॉस लॉ। सेकेंड स्टेप क्या था, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे थे, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन। तो सिमिलरली वी कैन डू दिस डेरिवेशन ऑल्सो बाय द हेल्प ऑफ दीज थ्री स्टेप, दीज थ्री स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज बाय द गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ क्या है, फाइ इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू, दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन इज बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, फाइ इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ई डॉट डीएस, है ना। तो फर्स्ट स्टेप हमने लिया बाय द गॉस लॉ, विच इज क्या है, गॉस लॉ के स्टेटमेंट क्या है, टोटल फ्लक्स एनक्लोज विद अ क्लोज कॉइल इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वन अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट विद इन दैट सरफेस। एंड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कि एक किसी भी सरफेस से कितनी फील्ड ऑफ लाइन्स जा रही है, है ना, किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नाउ तो बाय इक्वेशन फर्स्ट and equation two, this is your equation second. Now from equation one and two, what we have from equation first and two, kya milega, close integral e dot ds equal to one upon epsilon naught q, hai na। यही थ्री इजी स्टेप आपको याद रखने हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन करने, कोई भी एप्लीकेशन करिए आप, स्टेप वन, स्टेप टू एंड स्टेप थ्री। स्टेप वन क्या होगा आपका, बाय गॉस लॉ, स्टेप टू क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दोनों को आप कंबाइन कर लीजिए तो आपकी स्टेप थ्री आ जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लीजिए। नाउ फ्रॉम हेयर अगर हम यहां पे देखें वेक्टर ई डॉट डी एस, ई का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। जो ई की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी एट ईच एंड एवरी पॉइंट। नाउ डीएस, डीएस क्या बोला था हमने, एरिया वेक्टर, विच इज एरिया वेक्टर कैसा होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, है ना, ये हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा और सरफेस पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे भी एरिया वेक्टर कैसा होगा, नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड, और दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट इज जीरो डिग्री, है ना। तो यहां इन दोनों के बीच जो एंगल होगा ई डॉट डी एस के बीच में, वो एंगल कितना होगा, कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, ई डॉट डी एस स्केलर प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू q upon epsilon naught, this is for closed surface। Now theta कितना है अगर हम देखें तो electric field and ds की direction will be same, तो angle कितना होगा दोनों के बीच में, that is zero degree। तो substitute e ds cos theta, अगर आपने theta को क्या consider किया, zero degree किया, तो theta कितना होता, cos zero कितना होता, that is one। तो I am writing e ds equal to Q upon epsilon naught, this is for
क्लोज कर. नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका? ओके, ई इज टेकिंग आउटसाइड एंड डी एस, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब डी एस है, दिस इज डी एस फॉर स्मॉल सरफेस. अगेन स्मॉल सरफेस, स्मॉल सरफेस, स्मॉल, तो स्मॉल 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 सरफेस मिलकर क्या बन रहा है? गॉसियन सरफेस बन रही है. कि किसकी गॉसियन सरफेस बन रही है? स्फीयर की, है ना. तो ये जो डीएस का आपने क्लोज इंटरवल किया, दैट इज दैट बिकम क्लोज सरफेस. और किसकी क्लोज सरफेस बन रही है? स्फीयर की. और वो स्फीयर कैसी है? गॉसियन स्फीयर, है ना. तो नाउ यहां से आपका आ जाएगा ई इंटू, दैट इज डीएस क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर. रेडियस कितनी है इस क्वेश्चन सरफेस की? दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल व्हेन पी इज केप्ट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल. तो हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है? ई फाइंड करना है. E equal to Q upon epsilon naught into 1 upon 4 pi R square. Or you simply write 1 upon 4 pi R square Q upon epsilon naught. That is electric field due to uniformly charged spherical shell. Now come to the second. When we, अब ये था आपने जब P को outside दी रखा था, है ना. Now, अब हमने जो P पॉइंट रखा वो हमने बाहर रखा. अब हमको क्या करना है? P को अंदर रखना है. येलो इज माई फेवरेट, दैट आई पिक दिस येलो बलून. नाउ P इज टेकिंग आउटसाइड दिस स्फीयर. अब हमारा सेकेंड केस क्या होगा? वेन P इज कैप्ट इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल. अब हमने P पॉइंट जो हमने आउटसाइड कंसिडर किया था, अब हम उसको क्या कर ले? इनसाइड. तो इसमें ये बताइए आप, ये जो आपने हमने जो स्फेरिकल शेल लिया है, अज्यूम किया है, इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अंदर कोई चार्ज है क्या इसके? अंदर इसके कोई भी चार्ज नहीं, ये अंदर से एकदम खाली है. देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस होलो स्फेरिकल शेल और स्फेरिकल शेल. तो इसके अंदर जब कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसके अंदर, बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो. दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन पी इज कैप्ट इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल, दैट इज आवर सेकेंड केस. इनसाइड द स्फेरिकल शेल के लिए हम क्या करेंगे? ये जो रेडियस थी आपकी, हमने जो स्मॉल आर बाहर लिया था, वो क्या करेंगे? दैट स्मॉल आर इज दैट पॉइंट पी इज कैप्ट इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल. दैट पॉइंट विद इज कैप्ट आउटसाइड दिस स्फेरिकल शेल. दैट पी पॉइंट इज, इन दिस केस वी आर कीपिंग दिस इनसाइड द स्फेरिकल शेल. तो हेयर पॉइंट पी वेयर वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेल. अब जब इलेक्ट्रिक शेल के अंदर जब कोई चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस व्हेन देयर इज नो चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, कोई चार्ज नहीं है अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा. तो अगेन वी आर, हम जो है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ. फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? बाय द गॉस लॉ क्या है? फाइ इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज प्रेजेंट विद इन द क्लोज सरफेस. दिस इज स्टेप 1. बट क्लोज सरफेस यहां पे अगर देखिए, K
क्यू क्या है, इसके अंदर कौन सा चार्ज है? कोई चार्ज नहीं। चार्जेस कहाँ है? ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। चार्जेस सारे कहाँ रिसाइड कर रहे हैं? सरफेस पे। किसकी सरफेस? जो हमारी शेल है उस पे चार्जेस है। अंदर आपको कोई भी चार्ज दिख रहा है क्या? नहीं, देयर इज नो चार्ज इन साइड दिस स्फेरिकल शेल। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा? यहाँ पे चार्ज क्या होगा? जीरो हो जाएगा। दैट इज स्टेप वन। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? फाइ इक्वल टू ई डॉट डीएस। अगेन आई एम सिंपली राइट ई डॉट डीएस को मैं डायरेक्ट लिख देती हूं ई डी एस, है ना? तो ई डी एस मीन्स ई डी एस। दिस इज आवर स्टेप टू। नाउ थर्ड स्टेप क्या था आपका? थर्ड स्टेप में क्या कर रहे थे हम? थर्ड स्टेप में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? जीरो इक्वल टू ई डी एस। बट वॉट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड दिस टर्म। दिस टर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या फाइंड करना है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड ए हॉलो स्फेरिकल स्फीयर और यू कैन से स्फेरिकल शेल दैट इज जीरो। तो किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? दैट इज जीरो। ये हमेशा ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन पूछते हैं जनरली वन मार्क्स के लिए, इसमें आपके सीबीएसई एग्जाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। नाउ आवर थर्ड पार्ट इज वैन पीस। अब हमने क्या दो केसेस ले लिए, एक को हमने क्या किया आउटसाइड दिस स्फीयर रख के देखा उस पॉइंट को कि जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। फिर अगेन हमने सेकेंड केस लिया जहां पे हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, पर हमने पॉइंट को कहां कर दिया? सरफेस के स्फीयर के अंदर कर दिया। अब सेकेंड थर्ड केस क्या है? व्हेन पी इज ऑन द स्फेरिकल, व्हेन पी इज कैप्ट ऑन दिस सरफेस। अब हमने इसी सरफेस पे किसी पॉइंट पी पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इन दिस केस, थर्ड केस में क्या हो जाएगा? आर स्मॉल आर बिकम इक्वल टू, ये जो है हमने इसी की सरफेस पे हमें किसी पॉइंट पी पे क्या फाइंड करना है, तो ये जो हमारा पी है इट विल बी लाई ऑन दिस सरफेस, है ना? और इसकी जो रेडियस है वो क्या है? आर। तो यहां पे थर्ड केस में क्या हो गया? दिस स्मॉल आर बिकम्स इक्वल टू दिस कैपिटल आर। तो वी जस्ट पुट कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर और स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, देन वी गेट द एक्सप्रेशन। नाउ थर्ड केस, व्हेन पी इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। दिस इज आवर लास्ट केस। इन दिस केस आर इज इक्वल टू आर, है ना? तो हमारा जो एक्सप्रेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square। तो ये एक्सप्रेशन आया था। अब इस R को हम किसके इक्वल कर दे? When R is equal to, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिला था, है ना? जो हमने फर्स्ट फाइंड किया था when P is outside this sphere, तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिला था? इलेक्ट्रिक फील्ड 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square। अब इस R को हमको किसके इक्विवेलेंट करना है? अब यहां पे जो रेडियस थी वो किसके इक्वल हो चुकी है? कैपिटल आर के इक्वल हो गई है। तो हमको इस आर की जगह क्या पुट कर देना है? कैपिटल आर पुट कर देना है। देन वी जस्ट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। हियर वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। नाउ अगेन वी हैव
by surface charge density. Surface charge density kya sigma, that is charge per unit area. Area is 4 pi r square. Clear? Now, यहाँ पे एरिया रेडियस हमने ली है आर कैपिटल आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर पुट करेंगे. तो यहां से हमें क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन है ना, तो ई विल बिकम 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, क्यू की वैल्यू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर आर विल कैंसिल आउट, 4 पाई विल कैंसिल आउट. तो लास्ट एक्सप्रेशन होगा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. लास्ट एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ई विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. अब इसमें ग्राफ आता है, जैसे हमने प्रीवियस दो एप्लीकेशन में भी ग्राफ बनाया था, तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा. नाउ लेट अस कम टू द ग्राफ. आउटसाइड P इज आउटसाइड के लिए क्या एक्सप्रेशन था, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन था. तो इस एक्सप्रेशन से क्या पता चलता है, व्हेन आर इज लार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस. अगर हम हमारी डिस्टेंस क्या होगी, इस सेंटर से जो डिस्टेंस आर है वो ज्यादा लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा. उसका इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी. इन दोनों के बीच अगर रिलेशन होगा तो वो कैसा होगा, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. नाउ पी इज इनसाइड, पी इज इनसाइड मींस ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो है, देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल. नाउ पी इज ऑन द सरफेस, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या था, ई इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर. This was the expression when P is kept on the surface, that the point where we find the electric field intensity, that point is kept on the surface of this conducting spherical shell. So we get this expression. What is that expression? E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square. यहाँ पे भी हम देखें तो क्या होगा, E के बीच जो relation है वो कैसा होगा, और यहां पे इस केस में R इज इक्वल टू R, तो इनके बीच ग्राफ कैसा होगा. नाउ लेट अस कम टू द ग्राफ. ग्राफ की बात करें हम, अलोंग Y एक्सिस वी आर टेकिंग E, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ E, एंड X एक्सिस वी आर टेकिंग R. नाउ वी आर टेकिंग R, तो ग्राफ की अगर बात करें तो इसका ग्राफ कैसा होगा, जस्ट लाइक दिस. यहां पे सपोज ई इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का डिस्टेंस रिलेशन देखिए, तो आउटसाइड जितना हम आर से दूर जा रहे हैं, जितनी डिस्टेंस हमारी ज्यादा हो रही है, डिस्टेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है. डिस्टेंस ज्यादा हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. दिस इज पी इज आउटसाइड व्हेन आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर. सेकेंड पार्ट क्या था हमारा, पी इज इनसाइड, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो थी. तो दिस पोर्शन व्हेन आर इज लेस देन
कैपिटल आर। तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एस आर इज इंक्रीजिंग, सेंटर से अगर आर इंक्रीज भी हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। किस पॉइंट तक जीरो है, जब तक वो कितनी नहीं हो जाती, 1/4πε0Q/r2, इसके इक्वल नहीं हो जाती है ना, जब तक वो सरफेस पे नहीं आ जाती तब तक उससे पहले उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। सरफेस पे आने पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो जाएगी, देन जैसे जैसे सरफेस से दूर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज गो एंड लाइक बटन दबाइए, एंड अगर कुछ भी क्वेरी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस डेरिवेशन से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज अपने कमेंट क्वेश्चन जरूर पूछे। थैंक यू।